परिवार नहीं बंधन होता, बंधन सदा अपने भीतर होता है। जब भी हम कहते हैं कि परिवार है तो जॉब करना पड़ेगा, परिवार है तो बंधन है, ये है, ये सब बातें असली मुद्दे को छुपाने की कोशिश होती है। कोई दूसरा आपको क्या बांध लेगा? जीव का जन्म हुआ है अपनी मुक्ति के लिए और दूसरे को भी मुक्ति देने के लिए। संबंध तोड़ने नहीं होते हैं। हमारा तो जन्म ही हुआ है दूसरे को मुक्ति देने के लिए, तो दूसरे को मुक्ति देनी है तो उसे संबंध तोड़ने होंगे या बनाएने होंगे? अध्यात्म संबंध तोड़ने की तो बात हो ही नहीं सकती। वहां तो जिससे संबंध नहीं है उससे भी बनाना पड़ेगा। ये भी जा रहा है लाइव, इस समय भी सैकड़ों लोग ऐसे देख रहे होंगे इस पूरी चर्चा को, जिन्होंने पहले कभी न ये बातें सुनी होंगी न मुझे देखा होगा। हम संबंध बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? तो मुक्ति में तो संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन मैं जब भी बात करता हूं मुक्ति की तो लोग कहते हैं बंधन समझ में आते हैं, बंधन तोड़े कैसे? बंधन नहीं तोड़ने हैं, स्वस्थ संबंध बनाइए, यह है मुक्ति का अर्थ। बंधन का अर्थ क्या होता है? रुग्णता का अर्थ क्या होता है? अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक अस्पताल पड़ा आप ही के शहर में, उसमें लिखा हुआ था रुग्णालय। आमतौर पर उत्तर भारत में चिकित्सालय लिखते हैं। मैं किस अस्पताल की बात कर रहा हूं शायद कोई जानता भी हो, अभी रास्ते में ही पड़ा है, जो पुणे के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे। बड़ा लिखा हुआ था रुग्णालय, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो किसी ने तो समझा कि चिकित्सालय और रुग्णालय एक ही जगह के नाम है। एक ही जगह के नाम है। तुम उसे रुग्ण भी बोल रहे हो अगर, तो तात्पर्य यही है कि यहां चिकित्सा होती है। तुम अगर संकेत रुग्णता की ओर भी कर रहे हो तो भी तुम्हारा आशय चिकित्सा से ही है। तुम अगर नाम बीमारी का भी ले रहे हो तो भी तुम्हारा इरादा इलाज का ही है। तो रुग्णालय और चिकित्सालय माने एक ही बात। तो इसी तरीके से जब अध्यात्म कहता है कि बंधनों को काटो तो वो कह रहा है रुग्णालय, किसका नाम ले रहा है? रुग्णता का, बंधन का। लेकिन उसका आशय चिकित्सा से ही है। उसका आशय सिर्फ यही नहीं है कि रिश्ता तोड़ दो, उसका आशय है कि एक स्वस्थ रिश्ता बनाओ भी तो। अस्पताल जाते हो तो वहां सिर्फ बीमारी कटती है या वहां से स्वस्थ होके भी लौटते हो? या तुम ये कहते हो कि वहां हम कुछ लेकर के गए थे और गवा के लौट रहे हैं? जब चिकित्सालय जाते हो, अस्पताल जाते हो, तो क्या वहां से खोए खोए सूने अकेले और लुटे पिटे लौटते हो कि हाय हाय कुछ लेकर के गए थे वापस लौटे हैं? तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। रुग्णता अगर जाती है तो स्वास्थ्य प्रकट भी तो होता है। इसी तरीके से रिश्तों में, संबंधों में जब बंधन कटते हैं तो एक स्वस्थ संबंध प्रकट भी तो होता है। अध्यात्म का अर्थ यही नहीं है कि रिश्ते तोड़ देने हैं। अध्यात्म का अर्थ है घटिया रिश्ते को सुंदर बनाना है।
घटिया रिश्ते को सुंदर बनाना है। और घटिया रिश्ते की जब हम बात कर रहे हैं तो भूलिए मत कि उस रिश्ते के दो सिरे हैं जिसमें से एक सिरे पर आप खड़े हैं, और सिरे पर कौन है यह भी आपने निर्धारित किया है। दूसरे सिरे पर कौन है उसकी बात करने वाले भी आप ही हैं। तो ले देकर जब हम रिश्ते के परावर्धन की बात कर रहे हैं, जब हम रिश्ते के परिष्कार की बात कर रहे हैं, तो हम किसके परिष्कार की बात कर रहे हैं? तुम्हारे ही। तो आप बदल जाइए, आपको जो रिश्ता आज बंधन लगता है नहीं लगेगा, फिर आप उस बंधन को अपने जीवन का प्रयोजन बना लेंगे। यह ऐसी सी बात है कि जैसे एक कमजोर आदमी हो और उस पर वजन रख दो तो कहेगा बंधन 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 बंधन, दब जाएगा, उसी बोझ के तले मर जाएगा। और एक थोड़ा मजबूत आदमी हो, उस पर वही वजन रख दो तो वह उसी वजन का इस्तेमाल करके अपनी मांसपेशियां और मजबूत कर लेगा। वही लोग आपकी जिंदगी के जो आज आपको बंधन स्वरूप लगते हैं, वो कल आपका व्यायाम बन जाएंगे। जो घर आज आपके लिए कैद खाना है, वही घर कल व्यायामशाला बन जाएगा। आप कहेंगे यही तो हमने सेहत अर्जित करी है, तुम नहीं होते तो किसका वजन उठाते, तुम नहीं होते तो ये बाजू कहां से लाते। बात समझ में आ रही है? दूसरे पर दोष न डालें। और ये बड़ी पुरानी शिकायत है सबकी। लोग सत्संग में आते हैं, कहते हैं देखिए हम तो आ गए सत्संग में, पर हमारे वो तो नहीं आए ना, हम अकेले ही आए हैं, यही बंधन है। हम तो बड़े भले हैं, हमारा अध्यात्म मन लगता है, हम सत्य के सेवक हैं, पर देखिए अकेले ही आए हैं हम, हमारा बेटर हाफ तो आया नहीं ना। वो जो बेटर हाफ है वो पकड़ के वापस खींच लेगा। क्यों भाई, बेटर हाफ में क्यों इतनी ताकत है कि वो तुम्हें वापस खींच लेगा, और तुम में ये ताकत क्यों नहीं है कि तुम खुद भी ऊपर उठो और दूसरे का भी ऊर्ध्वगमन करा दो? तुम में ये ताकत क्यों नहीं है? तुम कह रहे हो अंधेरे में रोशनी से ज्यादा ताकत है। अरे बड़ी दुर्बल रोशनी होगी। तो सार्थक कर्म को थोड़ी देर पहले हमने दो तरीकों से परिभाषित किया था, दो और तरीकों से करे देते हैं। रिश्तों के संबंध में, रिश्तों के संबंध में सार्थक कर्म होता है स्वयं मुक्ति पाना और जिनसे संबंधित हो उनको भी मुक्ति दिलाना। जो स्वयं मुक्ति पाता जाएगा वो पाएगा कि उसके संबंधों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो अंततः वो किसकी किसकी मुक्ति के लिए उत्तरदायी हो जाएगा? सबकी मुक्ति के लिए। यही अध्यात्म में दो ही तरह के सार्थक कर्म है। स्वयं मुक्त होते चलो, तुम मुक्त होते चलोगे तुम्हारे संबंधों का दायरा विस्तार पाएगा, और अपने साथ साथ जिनसे जिनसे संबंधित हो उन सबको मुक्ति दिलाते चलो। जन्म तुम्हारा इसीलिए हुआ है।